एवरीवन, माय सेल्फ एकता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाय एकता। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से मैंने कुछ ज्वेलरी बाय की हुई है, तो उसी के बारे में। सो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और ज्वेलरीज कैसी है वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले मेरे सभी वीडियो आप आसानी से देख सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है glitters.in, तो मैं उसका जो इंस्टाग्राम हैंडल है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप लोग वहाँ पे जाके ज्वेलरी परचेज करना चाहो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, और मैं उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो वहाँ से मैंने मंगवाई है कुछ इयररिंग्स, तो मुझे इयररिंग्स बहुत ही पसंद है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो मैंने वही कुछ इयररिंग्स मंगवाई हुई है। तो चलो मैं आपसे वो शेयर करती हूँ, और सभी इयररिंग्स के प्राइजेस भी आपको बता दूंगी। बट मैंने मोस्टली इयररिंग्स कॉम्बोज में बाय की हुई है। सो मैंने 5 पेयर ऑफ इयररिंग्स मंगवाई है जो मुझे 985 रुपीज में मिली। सो आप गेस कर सकते हो कि एक इयररिंग जो है 200 के अराउंड ही हमें मिली है। सो मुझे कुछ इस तरह से इयररिंग्स सभी रिसीव हुई है, आप लोग देख सकते हो। तो चलो अब इसको देखते हैं। सो ये अच्छे से बबल रैप होके आई थी और उसमें कुछ भी मुझे डैमेज पीस नहीं रिसीव हुआ है, जो बहुत ही अच्छी बात है। सो अब चलो इयररिंग्स देखते हैं। सो या ये इयररिंग्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, 5 पेयर ऑफ इयररिंग्स थी। सो इसके साथ मुझे उन्होंने एक फ्री गिफ्ट जैसा भेजा है, तो ये है वो फ्री गिफ्ट जो मुझे बहुत ही पसंद आया। सो आप इसे एज अ ब्रेसलेट या एंगलेट इसे यूज़ कर सकते हो। सो ये बहुत ही अच्छा है और ये मुझे बहुत ही पसंद आया, आप लोग देख सकते हो पहनने के बाद कैसा लगेगा। सो यप, तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली इयररिंग से। तो फर्स्ट जो है वो मेरी बहुत ही फेवरेट इयररिंग है। सो ये सभी ऑक्सीडाइज इयररिंग है, और आप लोगों को उनके पेज पे इयररिंग्स या कुंदन की इयररिंग्स, नेकलेसेस, सभी चीज़ें आपको मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे मुझे जो रिसीव हुई है वो है ये। सो ये बहुत ही क्लासिक इयररिंग है गाइज, आप लोग देख सकते हो इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आपको त्रिशूल जैसा और यहाँ पर नीचे गणेश जी या फिर एलिफेंट की डिज़ाइन आपको मिलेगी, और यहाँ पे आपको कुछ पर्ल का काम मिल रहा है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, और सभी इयररिंग्स को मैं वेयर करके उसकी क्लिप ऐड कर दूंगी, तो आपको पता चले कि ये इयररिंग्स कैसी लग रही है पहनने के बाद। सो यू कैन सी गाइस कितनी प्रीटी लग रही है, और मुझे ये इयररिंग बहुत ही पसंद आई। और यहाँ पे आपको कुंदन का काम भी मिल रहा है, अंदर स्टोन लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। सो ये बहुत ही क्लासिक पीस है। देन इसके बाद जो दूसरा पीस है वो है अगेन एक ऑक्सीडाइज, बट ये थोड़ा ब्लैक है। सो आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा पीस है। यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ पे आपको घुंघरू मिल रहे हैं, देन यहाँ पे फ्लावर्स की डिज़ाइन बनी हुई है, और यहाँ पे पीकॉक है, आप लोग नज़दीक से देख सकते हो अच्छे से। सो ये आवाज़ भी करती है जो बहुत सी क्यूट है, और ये इयररिंग भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपने किसी कुर्ते या उसके साथ इसे पहना है तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और गाइज ये बहुत ही लाइट वेट इयररिंग है। सो या ये और जो फर्स्ट वन थी वो भी लाइट वेट है, उसका उतना वजन नहीं है। सो आप लोग डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो आपको परचेस करनी हो तो। देन जो थर्ड वन है वो एक मिरर इयररिंग है। सो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है मिरर इयररिंग्स। सो या वो कुछ इस तरह की है। सो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। सो सभी चीज़ें अच्छे से मुझे रिसीव हुई, कुछ भी मुझे
मतलब टूटा हुआ या ऐसा रिसीव नहीं हुआ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी इंस्टाग्राम स्टोर से ज्वेलरी मंगवा रही थी, तो मुझे डर था कि आई डोंट नो कि वो ज्वेलरी कैसी आएगी और क्या होगा। सो ये जो पीस है वो कुछ इस तरह का है, आपको ऊपर राउंड मिरर मिलेगा बिग और नीचे रेक्टेंगल मिलेगा, और यहाँ पे छोटे छोटे ये डिज़ाइन मिलेगी आपको। सो वियर करने के बाद ये भी बहुत ही अच्छी लगने वाली है, और ये भी बहुत ही लाइट वेटेड है, इसका भी उतना वजन नहीं है। सो अगर आप लोग ऐसी इयर रिंग्स जो दिखने में हैवी हो बट उसका वेट ना हो परचेज करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। जो अब इयर रिंग है फोर्थ वन, वो मेरी बहुत ही अच्छी फेवरेट है, अच्छी तो है ही बट फेवरेट भी है, बट ये थोड़ी बड़ी है। सो मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि मुझे इस तरह की इयर रिंग्स बहुत ही अच्छी लगती है। सो ये कुछ इस तरह की इयर रिंग्स है, चांद वाली टाइप। सो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये इयर रिंग्स भी। थोड़ा वेट है इसका, तो मे भी शायद आप जो इस तरह की इयरिंग्स कैरी नहीं करते उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट ट्रस्ट मी उतनी हैवी भी नहीं है, थोड़ी बहुत है। सो अगर आप लोग परचेस करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, स्टोन वर्क मिलता है पूरे में आपको। सो ये बहुत ही प्रीटी है। सो अगर आपने कोई सूट या हैवी सूट या कुछ वेयर किया है, ब्लैक या वाइट या कुछ भी, सो उसके साथ ये आपको डेफिनेटली वेयर करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। सो इसके बाद जो है लास्ट पीस, ओ माय गॉड। सो ये जो पीस है वो मैंने बहुत यूट्यूबर्स को या जो भी हॉल्स करते हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ हैं उनको वियर करते हुए देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मंगवाऊँ, बट ये बहुत ही ह्यूज इयरिंग है मेरे लिए। सो थोड़ी बहुत ये वेट है इसका, क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार देखा मैं इसे देख के बहुत ही खुश हुई थी और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। सो इसमें सो ये है वो इयरिंग। सो ये चांद वाली इयरिंग है, तो आप लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग है इयरिंग्स और बहुत ही अच्छी लगती है। बट इसमें क्या है कि ये जो है ना उसका वेट ज़्यादा है, इसका उतना वेट नहीं है, बट इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से हमारा कान कभी कभी दुखने लग सकता है अगर आप लोग ऐसी इयरिंग्स वेयर नहीं करते हो। बट आप लोगों को हैबिट है कि आप लोग ऐसी इयरिंग्स वेयर करते हो तो डेफिनेटली गो विथ इट, बहुत ही अच्छी और पहनने के बाद बहुत ही क्लासिक लगेगी। तो इसमें आपको मिरर वर्क दिया हुआ है अच्छे से, और यहाँ पे आपको ऐसा कड़ी बोलते हैं मे भी, या कड़ी दी हुई है, तो अगर ये निकल जाए तो आप अच्छे से इसे लगा भी सकते हो वापस। और नीचे आपको ऐसी पैटर्न मिल रही है। सो गाइस ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छी इयरिंग्स है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी या मेरे पे बहुत ही बड़ी लग रही है। सो या देखते हैं अब इसका, मैं कभी किसी वीडियो में तो इसे ज़रूर पहनूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत 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 पसंद आई है। सो या ये थी मेरी छोटू सी इयररिंग्स की हॉल जो मैंने glitters.in से परचेस की हुई है, बहुत ही अच्छी इयररिंग्स है, तो अगर आप लोग लेना चाहो तो आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सो गाइज ये था मेरा छोटा सा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक्स और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कौन सी इयररिंग्स अच्छी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून।